श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना और रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक देश के विभिन्न कोनों से अर्धसैनिक बलों की कंपनियां पहुंचने लगेंगी। मौजूदा समय में करीब 50,000 अर्धसैनिक बल पहले से ही प्रदेश में मौजूद हैं, जबकि 20,000 सुरक्षा कर्मियों को और लाया जाएगा। इनमें CISF, CRPF, ITBP और अन्य शामिल हैं। जम्मू पुलिस कंट्रोल में कंपनियां रिपोर्ट करेंगी और इसके बाद इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए जगह चिन्हित करना शुरू कर दिया है, जहां पर इन कर्मियों को ठहराया जाएगा। अर्धसैनिक बलों की तैनाती सिर्फ अमरनाथ यात्रा रूट, आधार शिविरों पर ही नहीं होगी, बल्कि सीमांत इलाकों में भी होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान सीमा पार से अक्सर आतंकी घुसपैठ की चुनौती रहती है। इसे देखते हुए 3-टायर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। स्थानीय पुलिस मिलकर अर्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्रों को अपने अधीन लेगी। इसके अलावा तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक हफ्ते तक बाहर से अर्धसैनिक बलों की कंपनियां पहुंचने लगेंगी। इनके आते ही तैनाती कर दी जाएगी, ताकि कश्मीर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों में भारी उत्साह है। पिछले 1.5 माह में 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अग्रिम यात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। हर साल लगभग 1 लाख श्रद्धालु ऑन स्पॉट पंजीकरण करवाते हैं। हेलीकॉप्टर ऑनलाइन बुकिंग में भी अलग से पंजीकरण होता है। इस बार रिकॉर्ड यात्रा की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश प्रशासन अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर जोर देगा। 29 जून से शुरू हो रही यात्रा इस बार 52 दिन की होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में 4,45,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। अब तक के आंकड़ों में 2011 में सबसे अधिक ऑल टाइम 36 श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे हैं, जबकि 2012 में भी 6,20,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद अभी तक इतना आंकड़ा नहीं हो पाया है। इस बार पंजीकरण को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए भक्तों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। श्राइन बोर्ड के अनुसार जून के पहले सप्ताह में हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस बार हेलीकॉप्टर सेवा के लिए संबंधित एजेंसी और दरों पर फाइनल नहीं हो पाने से बुकिंग शुरू करने में देरी हुई है। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक पर यात्रा संबंधी तैयारियां की जा रही हैं। जून के मध्य तक देश भर से 120 से अधिक लंगर वाले पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ये अधिकांश लंगर बालटाल और पहलगाम रूट पर लगेंगे। यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने सहित अन्य काम जारी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।